वो कह रहे हैं कि सिर्फ इस तरह का माहौल बना देती है भारतीय जनता पार्टी, जिससे लगता है कि सब कुछ अच्छा है, जबकि जमीन पर उतरेंगे तो नजर आएगा कि महंगाई कितनी चरम पर है। चित्रा जी, देखिए सबसे पहले तो उत्तराखंड में हरीश रावत जी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। उत्तराखंड में चुनाव हुए, 3 प्रदेशों में और चुनाव हुए, भाजपा के पास एक बड़ी चुनौती थी। 4 प्रदेशों में सत्तारूढ़ थी, चारों प्रदेशों में जनता ने आशीर्वाद दिया। कांग्रेस पार्टी पंजाब में थी, पंजाब की जनता ने इनको जवाब दिया, वहां से रवाना कर दिया। और ये लोकतंत्र खतरे में है, देश खत्म हो जाएगा, ये डर का माहौल बनाना, असलियत क्या है? ये 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही बोलते थे राहुल गांधी, वहां पे भी जनता ने जवाब दिया, खतरे में देश नहीं है, देश तो आगे बढ़ रहा है, खतरे में गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी है, जिसकी नींव जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। और मैं एक ही बात आपके चैनल पे बड़ी कह दूं, आप आलोचना करिए, लेकिन चुने हुए प्रधानमंत्री जी की तुलना हिटलर से करना, अगर कोई हिटलर के आसपास भी पहुंचा, आजादी के बाद वो इंदिरा गांधी थी, आपातकाल लगाया, और कांग्रेस पार्टी ने 95 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया है, नरेंद्र मोदी जी ने कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ करके उसका मूल ढांचा नहीं बदला है, इंदिरा गांधी ने बदला है, और हिटलर ने 1.5 करोड़ जो ज्यूज थे उनकी जान ली, नरेंद्र मोदी जी ने 110 करोड़ भारतीयों को सुरक्षा कवच दिया कोविड का, वैक्सीन लगवा के, आप बताइए कुछ तुलना है? और अगर मैं कहूं राहुल गांधी ओसामा बिन लादेन की तरह है, अच्छा लगेगा लोकतंत्र में? एक व्यक्ति की गरिमा होती है, पद की गरिमा होती है, अगर आप सत्ता में नहीं है तो बौखलाहट में कुछ भी नहीं बोलने लग जाएंगे। दो और लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, गौरव भाटिया जी, आप जल्दी से इस पर आप जवाब दे दीजिए अभय दुबे जी, उसके बाद मैं फौरन आती हूँ अनुराग जी आपके पास, अजय आलोक जी आपके पास। अभय दुबे जी, आंकड़े लेकर वो बैठे हुए हैं, और आप जब जब लोकतंत्र की बात करेंगे तब तब आपको इमरजेंसी याद दिलाया जाएगा, और आज ही उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 90 से ज्यादा बार किस तरह से इमरजेंसी लगाने का, प्रेसिडेंट रूल लगाने का काम किया है आपकी सरकार ने। प्रेसिडेंट रूल लगाया जी जी। चित्रा जी, इस देश ने देखा है, इतिहास से प्रतिशोध तो नहीं लिया जाता, लेकिन इस देश ने देखा है कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार, और उन्होंने देश के नागरिकों से कहा मोदी सरकार के कृतित्व को लेकर कि आप देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए। ये परिस्थितियां आज के पहले तो निर्मित नहीं हुई। राहुल गांधी जी ने सत्ता का स्वभाव परिलक्षित होता है ये बात कही, जब वो देखते हैं समग्र अधिकारवादी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है नाजियों की तरह, अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है नाजियों की तरह, साम्राज्यवादी सत्ता है, लोकतंत्र क्यों की विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तब उन्होंने ये उपमा दी। तो क्या ये देश देख नहीं रहा है? 12 करोड़ लोगों के रोजगार हिंदुस्तान में छीन गए, 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा के कगार पर आकर खड़े हुए। अनुराग भदौरिया जी, नहीं मुझे मुद्दे पर तो सारे विपक्षी दल एक जैसा हो जाता है, लेकिन महंगाई की जब बात आती है तो क्यों नहीं आप लोग सड़कों पर उतरते हैं? हम लोग तो हमेशा से महंगाई के खिलाफ है। मैं कह तो रहा हूँ, महंगाई की मार पड़ी है, बर्बरता की धार चढ़ी है, गरीब कैसे बच्चे पाले, विरोध किया तो जेल में डाले, कैसे चले ये घर परिवार कौन बताएगा? सरकार छाछ पे GST, गुम है सबकी सिट्टी पिट्टी, रोटी महंगी, दाल महंगी, सब्जी महंगी, मुश्किल से मिलते हैं आज निवाले, मस्त पड़े हैं जुमले वाले। अब हालत ये हुई है कि जो जुमलेबाज है वो मस्त पड़े, उन्हें चिंता ही नहीं है, वो इस बात की चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि देश में महंगाई है। उनसे पूछो तो पार्लियामेंट में इस तरह का जवाब देते हैं जैसे लगता है कि देश में महंगाई है ही नहीं। अगर आप किसी के घर जाएं, सावन का महीना है, अगर बीजेपी वालों के पास गांव घर परिवार है तो सावन के महीने में जाते होंगे, झूले पड़ते हैं, महिलाएं अपना गाना गाती हैं, अपने पति से कहती हैं पिया पिया मेहंदी मंगवाए दो मोती झील से जायके साइकिल पे ना। पति आजकल क्या कहता है पता है आपको? खाने को दाल नहीं महंगा हुआ, दही दूध आटा तेल मेहंदी लाए कहाँ से मोती झील के जायके साइकिल पे ना। अब वो बेचारे अपनी पत्नी के लिए मेहंदी लाने के लिए मोती झील नहीं जा पा रहे हैं, साइकिल भी उनके पास खरीदने को पैसा नहीं हो पा रहा है, तो बताओ अपनी पत्नी को कैसे वो सावन के महीने में मेहंदी ला के देंगे, क्योंकि इतना महंगा आपने कर दिया।
आप उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हो, परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हो, समाज के बारे में नहीं सोच रहे हो, आम जनता के बारे में नहीं सोच रहे हो, गरीब के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आप किसके बारे में सोच रहे हो? आप उनके बारे में शायद सोच रहे हो जो धन्ना सेठ है। मेहंदी की चिंता आपको ज्यादा है, बिल्कुल रंग का कुर्ता पहने इसी वजह से? नहीं नहीं, हमें मेहंदी की चिंता इसलिए चूंकि गाँव में महिलाएं परेशान है, हमारी बहने परेशान है, वो इस बात को माने चिल्ला चिल्ला के कह रही है, पति इस बात को कह रहा है, मैंने आपको सुनाया, खाने को दाल नहीं। जब प्रदर्शन कर रही थी क्यों नहीं उतरे आप? एक सुर होना चाहिए कि नहीं महंगाई जैसे मुद्दे पर? हिंदुस्तान में महिलाओं, हिंदुस्तान में महंगाई के खिलाफ सब खड़े हुए हैं। और एक चीज बता दें, सुनिए, आपको हमेशा आंदोलन दिखाई देगा हिंदुस्तान के अंदर में, जब जब हिंदुस्तान पे महंगाई बेरोजगारी की बात हुई है आंदोलन खड़ा हुआ है। लेकिन ये वो लोग हैं जब इनसे जवाब सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए आप इसके बारे में क्या किया, तो पता क्या कहेंगे? 80 करोड़ लोगों को हमने खाना दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 80 करोड़ के लोगों को खाना जो इनके सांसद खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते हैं, 80 करोड़ का खाना आपने कहां से दिया? जीएसटी जो लगाते हो, जीएसटी का पैसा आपको मिलता है, उस पैसे को आप हमारे लोगों में आप खाना देते हो और फिर कहते हो इसके खाना देके आप हल्ला मचाते हो, इसके मतलब मैंने 80 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार गरीबी में डाल दिया। सरकार जिम्मेदार है गरीब बनाने में, 80 करोड़ लोग आज गरीब है जिनको खाना नहीं मिल रहा है, ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं बता दीजिए? 80 करोड़ का आंकड़ा तो यकीनन होगा ना, अगर इस तरह से फ्री में इतने लोगों को खाना देना पड़ा है तो विपक्ष की ये भी आरोप है कि ज्यादातर लोग बेरोजगार है उसमें, तो ये स्थिति बनी हुई है देश की, इस पर जवाब दीजिए। उसके बाद गौरव भाटी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अजय आलोक जी, देखिए बात 80 करोड़ की कोरोना काल में थी और वो जरूरी था, उस वक्त की जरूरत थी। राजनीति देखिए चित्रा जी परसेप्शन से चलती है। अच्छा, अब परसेप्शन है इस देश में कि कोई भी राजनीतिक दल भारत के इतिहास में कभी भी हिटलर शाही का रवैया लेके नहीं आया, एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो 1975 का, नहीं तो सब राजनीतिक दल लोकतांत्रिक हैं। परसेप्शन आज का ये क्या बना, नेता अपने प्रवक्ताओं को अपने दूसरे पार्टी के नेताओं को समझाते हैं कि ये थीम देनी है जनता में, फिर वो कार्यकर्ता वो छोटे नेता जाते हैं जनता में, जनता को बात बताते हैं। अच्छा, आज के कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में तो नेता ही कह रहे थे ईडी 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 ईडी, तो परसेप्शन तो ईडी का ही बना कि ये ईडी की कार्रवाई से व्यथित होके ये धरना प्रदर्शन हुआ। मुझे तो खुशी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी किसी भी मामले को लेके, महंगाई रोजगार बेरोजगारी कम से कम रोड पे तो उतरी, ये शुरू तो हुआ, ये लोग तो आज तक रोड पे उतरते ही नहीं थे, इसलिए प्रदेश दर प्रदेश सिकुड़ते जा रहे थे। लेकिन परसेप्शन जो बना वो कहीं से फायदेमंद नहीं हुआ, ये काम 2 महीना पहले कर लेते राहुल गांधी तो मुझे लगता है ज्यादा लाभ होता।